दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्रेडिट लेने की हद ही कर डाली। दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से मुक्ति मिले इसके लिए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। मोदी सरकार ने इसी वजह से दिल्ली को इलेक्ट्रिक बसों के लिए बजट दिया, लेकिन जब बारी बसों के सड़कों पर उतरने की आई तो सारा क्रेडिट केजरीवाल ले उड़े। इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली वालों के लिए 3 दिनों तक इन बसों में फ्री सफर करने की छूट भी दे दी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि अभी और भी इलेक्ट्रिक बसें आएंगी, इसके लिए पीएम मोदी का धन्यवाद जिनकी वजह से ये बसें आ रही हैं। आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली का क्रेडिट चोर मुख्यमंत्री इस काम का भी खुद ही क्रेडिट ले रहा है। बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने भी दिल्ली सरकार पर क्रेडिट लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि पैसा केंद्र का और वाहवाही केजरीवाल लूटने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने जब केजरीवाल की पोल खोली तो उन्होंने कहा कि सारा क्रेडिट उनका, बस दिल्ली वालों का भला होना चाहिए। दिल्ली सरकार के मुताबिक आने वाले समय में दिल्ली में सभी बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा, यानी पुरानी होती जा रही बसों की जगह दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें ही दौड़ा करेंगी, जिससे दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण से काफी हद तक लोगों को निजात मिलेगी। डीटीसी के बेड़े में नई 150 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हो गई हैं। इन बसों को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इंद्रप्रस्थ डिपो से हरी झंडी दिखाई। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनवरी में 2 प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई थी। इन बसों के सड़क पर उतरने के साथ ही दिल्ली सरकार ने यह भी ऐलान किया कि पहले 3 दिन यानी 24 से 26 मई तक इन बसों में लोग फ्री में सफर कर पाएंगे। ये इलेक्ट्रिक बसें 0 स्मोक 0 एमिशन वाली हैं, जिनमें CCTV कैमरे, GPS, पैनिक बटन, दिव्यांगों के लिए रैंप जैसी बहुत सारी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। इन 150 बसों के रखरखाव के लिए मुंडेलकला, राजघाट और रोहिणी सेक्टर 37 में 3 डिपो को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बस डिपो के रूप में तैयार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।